हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयशा खान के बारे में। उनकी भाई की शादी तय हो चुकी थी और शादी की तैयारियां चल रही थी और इनकी भाभी ने इनके ऊपर संगीन इल्जाम लगाए हैं। 12 ये शादी अब हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने आयशा खान के बारे में कहा कि इवेंट्स में ये हर वक्त अपनी राय देती थी और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करती थी। अगर इन्हें इनकार किया जाए तो ये चीज़ों को बहुत डिस्टर्ब कर देती है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि इनकी शादी पहले सारा खान से होने वाली थी, लेकिन सारा खान से अनफॉर्चुनेटली ना हो सकी, तो ये उन्हें हमेशा ये ताने देती थी कि वो बहुत कम आती है, तुम इसको बाहर सेटल करो। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई कि इनका जो है अपनी मदर की फैमिली के ऊपर बड़ा होल्ड है, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है और वहाँ इनकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं हो सकता। चौथी चीज़ उन्होंने इनके सर्वेंट्स के बारे में बताई कि इनके सर्वेंट्स भी इनके पास नहीं टिक पाते, क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत रूड और अजीब सा है। पाँचवीं चीज़ उन्होंने ये बताई कि ना ही एक अच्छी माँ है और इनके बच्चे जो है इनकी माँ, बहन और भाई पालते हैं और वही उनकी देखभाल करते हैं, और ये अपने ससुराल से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। बहरहाल उन्होंने दानिश तैमूर के बारे में ये कहा कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और उनसे उन्हें कोई शिकायत नहीं है। अच्छा जी, एक ज्वेलरी के ऊपर भी उन्होंने बोला कि जब शादी की ज्वेलरी परचेज करने की बात हुई तो जो डिज़ाइनर सिलेक्ट किया गया उन्होंने कहा कि उसको बिल्कुल भी टैग नहीं करना, इसकी वजह से लगेगा कि ज्वेलरी ओरिजिनल नहीं है और हम चाहते हैं कि ज्वेलरी ओरिजिनल लगे। बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक, स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाली, रियल लाइफ में इनके बारे में बहुत ही अजीबोगरीब बातें की जा रही हैं मीडिया के ऊपर। देखते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई और सदाकत है। बहरहाल आयशा खान की तरफ से इन बातों की कोई तरदीद नहीं की गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।